वो वैसे कोई बात नहीं थी, मैं क्यों बता रही थी मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हूँ ऐसा समझ लो आप लोग। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सारी सगत रवानी एंड एज यू गाइस कैन सी इन द टाइटल, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ग्रैब कर पे। और आई नो मैं बहुत ज्यादा आपको एक्साइटेड लग रही होंगी आज, क्योंकि मैं सब फील करना चाहती थी अंदर से कि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस वीडियो बनाने के लिए। और है भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, मुझे है भी। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं जब बहुत टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ ना, बहुत दिनों बाद, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं वीडियो बनाना भूल चुकी हूँ। ये जो वीडियो है मुझे बहुत टाइम से बनानी थी। मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो में बोला भी था कि मुझे ग्रैब कर से आपको ड्रेसेस दिखानी है, तो बस वही वाला ये वीडियो है। और आई एम सो एक्साइटेड ये वीडियो आपको दिखाने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे पीसेस हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो हम जो फर्स्ट चीज से स्टार्ट कर रहे हैं वो है ये वाला जो मैं पहन के बैठी हूँ, ये है वन पीस। ये ड्रेस नहीं है, सारे के सारे वैसे ड्रेसेस हैं, बट ये वन पीस है इसके लिए मैं उसको पहन के बैठी हूँ। इसमें कैसा है ना कि आपको ऊपर से ऐसे टाइप का टॉप मिल रहा है सिंपल, और ये स्लीव्स है इसकी, और नीचे से इसका शॉर्ट्स है जो इसके साथ वो किया हुआ है, अटैच किया हुआ शॉर्ट्स है। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो या फोटोज दे दूंगी ये कैसा दिखता है। और मेरे हिसाब से जब मैं इसको फर्स्ट देखा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, जब फोटो में थोड़ा मतलब कैसे बोलते हैं, कभी कभी आपको फोटो में कोई चीज़ पता नहीं चलती कि कैसी लगने वाली है, बट पहनने के बाद मैं आपको बता रही हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मैं जब से इसको पहन के बैठी हूँ ना, मुझे यही फील हो रहा है मैं इसको कहाँ पहनने वाली हूँ बाहर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद। हाँ, एक चीज़ है कि इसकी स्लीव्स थोड़ी सी मुझे ढीली है, बट ये मैं बहुत ईजिली इनको है ना बनवा सकती हूँ। मुझे पता है मैं इनको खाली थोड़ा सा स्टिच करवाऊंगी और ये बहुत सही से बन जाएंगी, क्योंकि मुझे पॉकेट्स हर चीज़ में चाहिए होती हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि इसमें पॉकेट्स थी। इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, इस नेट का मटेरियल भी काफी अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली नेट का मटेरियल जब हार्ड होता है ना आपको पहनने में बहुत ज्यादा चुभता है, बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है जैसे आप देख सकते हो, और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसका पैटर्न ही इतना अच्छा है, आप इसको ऊपर भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, बट मुझे ऐसे रखना तो मैं इसके लिए ऐसे रख रही हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अब इसकी साइज की बात करें तो मैंने साइज एस ऑर्डर किया था, और साइज एस बहुत सही से आया है, मुझे बहुत अच्छा फिटिंग है, और इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसके मटेरियल की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था, अब पता नहीं जो भी हो, मतलब मुझे ऐसा थोड़ा बहुत फील हो रहा था कि मेरा बॉडी का शेप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके मटेरियल की वजह से। ऐसा मटेरियल है इसका, मुझे पता नहीं वो सही में है कि क्या है, बट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे शेप इसकी वजह से। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है ये वाली ड्रेस। अब इसको आपने पता नहीं देखा है कि नहीं मेरे खुद की, मतलब मैंने इसको एक वीडियो में पहना हुआ है पहले भी, मुझे याद नहीं आ रही वो वीडियो, मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ जो भी उसका टाइटल है। तो ये मैंने एक पहले अपनी वीडियो में पहना हुआ है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ड्रेस, बहुत ज़्यादा सिंपल ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल सी नीचे तक, और यहाँ पे टाई करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिटेलिंग दी हुई है, मुझे ये ड्रेस इतनी अच्छी लगती है, लाइक सिंपल भी है और अच्छी भी बहुत दिखती है। इसका मैंने साइज ऑर्डर किया था एस, नॉर्मली सबके एस या एम के आसपास ही होंगे, तो ये वाली जो ड्रेस थी बहुत ज़्यादा अच्छे से फिटिंग से खड़ी रहती है, मैंने इसको पहना हुआ है, और ये बॉडी हगिंग है, इतनी ज़्यादा प्यारी दिखती है ना ये पहनने के बाद, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसका मटेरियल थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट है इस वाले से जिसको मैंने पहना है, और मुझे इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इनके रिलेटेड तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये वाली ड्रेस, ये भी ब्लैक कलर में है। ये जो ड्रेस है ये फुल ड्रेस है, ये ऐसे आप देख सकते हो नीचे तक, और इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक मुझे, मैं जैसे आपको बताती हूँ ना कि मेरा जो हाइट है समथिंग 5'6" है, और उस वजह से मुझे जीन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मुझे लंबी जीन्स चाहिए होती है, लाइक थोड़ी अच्छी खासी जीन्स चाहिए होती है, तो उसकी लेंथ उतनी नहीं आती जीन्स की, बट इस ड्रेस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये ड्रेस बहुत सही है, लाइक अगर आपकी भी हाइट मेरे जितनी है तो बहुत सही है, और अगर आपकी मेरे से छोटी भी है तो आप इसको थोड़ा करवा सकते हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हील्स के साथ पहनोगे तो बहुत सही लगेगी ये। और यहाँ पे आगे आपको ये नेट वाला डिटेलिंग दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे ये डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसे बोलते हैं ना छोटी छोटी डिटेलिंग होती है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस वजह से, तो इसकी ये डिटेलिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। और इसका मटेरियल भी वो ड्रेस की तरह ही है सेम, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनके मटेरियल इतने अच्छे हैं कि आप इनको गर्मियों में ईजीली पहन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी जो जिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की दी गई है, क्योंकि बहुत इजीली जिप अनजिप हो जा रही है,
जो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि उन्होंने बहुत गंदा कुछ क्वालिटी यूज किया हो। मुझे बहुत सही लगी ये चीज। लेकिन जब टॉप्स दिखा रही थी आपको, शायद उस वीडियो में मैंने इसको पहना था, मुझे याद नहीं अच्छे से, शायद उसमें पहना था। और ये जो ड्रेस है वो समर्स के लिए बहुत ज्यादा सही है, अगर आप उसके लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है ये वाली। आपको यहाँ पे स्ट्रैप मिलते हैं जो आपको टाई करने होंगे। ये वाला जो स्मोक्ड डिटेलिंग है, अब ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत सही से खड़ा रहेगा मेरे हिसाब से। और नीचे का मटेरियल भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका कलर ही इतना प्यारा है कि आप इसको समर्स के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ड्रेस। इसका मटेरियल सबसे अलग है और सबसे अच्छा भी लग रहा है मुझे। लेकिन इन सब में से किसी का भी मटेरियल अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि बुरा हो, मुझे काफी सही लग रहा है इस वजह से। और इसका भी साइज मैंने एस, मैंने जैसे आपको बताया मैंने ज्यादातर एस या एम ही लिए हैं, तो इसका साइज भी मैंने एस खरीदा है। अब नेक्स्ट जो है वो है ये ड्रेस। इसमें ये चीज है कि यहाँ पे आपको वन साइड ऐसे स्ट्रैप मिलता है, ये नॉर्मल मिलता है इस साइड। तब मैंने साइज एस ऑर्डर किया है, इसका भी मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका साइज मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने साइज अब तक ट्राई नहीं किया हुआ है इसका, बट ये ड्रेस मुझे दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको थोड़े नी लेंथ जितने ड्रेसेस हैं, थोड़े से ऊपर वाले ड्रेसेस चाहिए तो ये उसके हिसाब से बहुत सही है। मुझे लगता है आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ब्लैक दिखाया, इधर रेड ड्रेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल रेड ड्रेस है, नहीं, आपको सिंपल चाहिए तो आप ये जरूर ले सकते हो। बट यहाँ पे पीछे आपको ये चीज मिल जाती है जो है इनकी डिटेलिंग। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बड़ा सा कट मिलेगा और यहाँ पे बहुत बड़ा वो मिलेगा। आपको ऐसा कुछ चाहिए जिसमें आपका ड्रेस पीछे से बहुत अच्छा दिखे तो आप इसके लिए जरूर जा सकते हो, क्योंकि ये पीछे से बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। आगे से तो अच्छी दिखती ही है बट पीछे से तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे बो टाइप डिटेलिंग चाहिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बो दिया हुआ है यहाँ पे पीछे। और इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिखा है इसमें, बट इधर फुल रेड टाइप कलर है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका मटेरियल भी सेम है, बहुत अच्छा है। इसका साइज मैंने एस ही ऑर्डर किया होगा जितना मुझे पता है। यस, इसमें भी साइज एस है, मुझे लगता है मैंने सब में एस ऑर्डर किया है, पता नहीं मैं एम किसके लिए बोल रही थी, पर लेट्स सी लास्ट मेरे पास बचा है उसमें कौन सा साइज है। अब आपने ये शीन के टाइम पे बहुत देख लिया होगा, ये वो वाली ड्रेस है जैसे शीन पे मिलती थी। अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। इसमें साइज मैंने सेम एस लिया है, इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है ये काफी अच्छी ड्रेस है जिस हिसाब से ये दिख रही है, मुझे बहुत ज्यादा फ्लोई टाइप ड्रेस लग रही है। अब पहन के देखते हैं कैसी लगती है। मुझे इसका साइज का पता नहीं है, जितना मुझे पता है साइज तो मुझे सही से आ जाएगी सब चीजों की, तो लेट्स सी इसको पहन के कैसी दिखती है। सो गाइस, अगर आपको इनसे कुछ भी खरीदना है तो आपको सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे आपको चले मेरी न्यू वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।